कैसा घेर आ रहा है, मस्तानी वाला लहंगा ये वाली लेस। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आज आपको पता है हम लोगों ने बाहर वीडियो स्टार्ट की, क्योंकि हम लोग सामान जमाना है। जो कल अपन लोग सामान लेकर आए थे ना रात को, तो उसको अनबॉक्सिंग करना है और सारा जमा के रखना है। और आज पता है आपको मैंने कौन सा सूट पहना है, वही वाली सलवार जो अपन ने कल स्टिच की थी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये रही पटियाला सलवार जो पहन ली है मैंने, कैसा घेर आ रहा है खोलो। एक ये लेस लेकर आई है दीदी, ये वाली लेस 27 मीटर का बंडल। एक ये है, ये ना कपड़े पे लगने के बाद ही समझ में आएंगे, आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगी डिजाइन। और इनका रेट एक एक का तो मुझे याद नहीं है, वो तो बिल बना के दे देते हैं हमें, तो हम लोग ले आते हैं। जो बड़े बड़े बंडल हैं वो 200, 300, 350 इतने के मतलब लगभग हैं, और बाकी ये तो कम कम वाले हैं। उसके बाद ये क्या है, नया डिजाइन है लेस का। और क्या ये वाली के लिए लहंगा बनाएंगे ना, अच्छी लग रही है ना, एक बार देख लो। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपको कैसी लग रही है। एक ये वाला नया डिजाइन आया, इसके सारे कलर लेकर आए हैं। और ये उस लहंगे के लिए बड़ी मुश्किल से कलर मिला, मैंने इससे पहले ही बोला था नहीं मिलने वाला। ये हम थोड़ा डार्क ही ले आए हैं, क्योंकि सेम मैचिंग तो मिल नहीं रहा था। और फ्रेंड्स पता है क्या है, जो उसके सेम मैचिंग था ना उसका, वो थोड़ा उस पे ओल्ड टाइप का दिख रहा था। इसे भर के रख दो, तुम ध्रुव आएगा वो जमा देगा, कल गुड़िया आएगी उससे जमा लेंगे। हम लोग काम करना है क्योंकि बहुत सारा, हमने कहा आपको दिखा दे, नहीं तो बताए अगर आज नहीं दिखाए ना अभी तुरंत दिखा देते हैं तो दिखा देते हैं, नहीं तो इसके बाद हम लोग भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं अभी दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे, और अभी कभी होता ही नहीं। फ्रेंड दीदी के पास देखिए इतने सारे कपड़े हैं, कपड़े इकट्ठे हो गए यार, ये तो इतनी सारी 12 सलवारें रखी है फ्रेंड्स। मेरे पास है ये वाला कुर्ता, तो सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, ये रख दिए मैंने और आधे तो उठा के भी रख दिए। दीदी के पास कस्टमर आ गए थे, जब तक मैंने ये सारे जमा के रख दिए, यहाँ पे लाइन लगा दी, एक पीछे साइड लगा ली। दो तीन दिन में प्रेस करते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। जब तक मैं प्रेस कर रही थी दीदी दुपट्टे में लेस लगाने बैठ गई। तुम प्रेस कर रही थी तो जब तक मैं फालतू बैठ के, हाँ और क्या, अपन लोगों को वैसे ही फालतू बैठना अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे नींद नहीं लगी फालतू बैठे, तो मैंने ये वाला कुर्ता भी सही से कम्प्लीट कर दी। फ्रेंड्स, तो अब हम बना रहे हैं मस्तानी वाला लहंगा। इसकी स्टिचिंग रह गई थी, कटिंग तो बनने कर ही ली थी। अगर आपने अभी तक भी कटिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए, जब तो स्टिचिंग समझ आएगी। लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कलियां है ना हमारी, ये अम्ब्रेला शेप की जो कलियां, तो ये ऊपर वाली कली उठा के ये ऊपर वाले में यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाली कली इसी के ऊपर पलट के यहाँ नीचे वाले में पूरी कोर दबा कर स्ट्रिच कर देंगे। कलियां इसमें हमने लगा दी हैं, अब हमें इसमें बनाना है गैदर्स इस वाले में, और इसमें भी अलग अलग बनाना पड़ेंगे, एक साथ नहीं बना सकते क्योंकि एक पार्ट अपना छोटा है, ये वाला देखिए ये बड़ा है, ये है आगे का छोटा वाला। वैसे तो हम एक साथ बना सकते थे, लेकिन इसमें क्या छोटी बड़ी बनाएंगे ना तो सही रहेगी, नहीं तो आगे एक साइड गियर कम एक साइड ज्यादा हो जाता है, इसलिए इस दोनों पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया है। बस आप जो पत्तियों का डायरेक्शन है ना, ये इसका ऊपर साइड जा रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों का डायरेक्शन ऊपर साइड ही जाना चाहिए। ये एक पार्ट अलग कर दिया ये, और एक ये अलग कर दिया, और यहाँ से हम बनाएंगे इसमें प्लेन वाले हिस्से में से गैदर्स। इसको गैदर्स बना के कितना करना है हमें, इसके बराबर, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 15 इंच का आ रहा है आगे से, तो 15 इंच में ये हमें पूरी गैदर्स सेट करनी है। इतने बड़े कपड़े की वो भी सोचिए, 3.5 मीटर कपड़ा है यहाँ। आधे इंच तो रख दिया अपन ने प्लेन सिलने के लिए, साइड में सिलाई लगेगी ना, इसलिए बिल्कुल पास पास बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़ा है अपने पास। चेक करेंगे कितना क्या फैब्रिक बचा है हमारे पास, अभी इतना और बचा है, यहाँ से लेके ये बन चुका है 9 इंच का ना, अपन को 6 और चाहिए, 15 चाहिए ना पूरा, 6 इंच का, इतनी जगह बन जाएगा 6 इंच का, हाँ आराम से, कमी पड़ जाएंगी, ज्यादा नहीं पड़ सकती। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. नाप कर देख लेंगे कितने इंच आया है हमारा, ये देखिए आ गया है 15 इंच बनकर, 19-20 होता है तो बाद में भी सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो सही साइड का, एक साइड का बन चुका है, ऐसे ही हम ये वाला बना लेंगे, लेकिन इसको 15 इंच का नहीं थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा है पीछे का ये थोड़ा बड़ा है कमर के पास से। कितना बड़ा ये है, इतना बड़ा, तो इसको भी नाप के देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसमें गैदर्स हम बना लेंगे।
इसमें भी हमने 11 इंच बना दिए हैं, देख लीजिए एक बार आप नाप कर। ये देखिए तुम नाप लो, सबको हाँ, यकीन है तुम पे। ये देखिए बराबर आ रहे हैं, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे इस वाले में, और इसको अलग करेंगे, और इस वाले में भी हम अटैच करेंगे इस वाले पार्ट को, छोटे वाले को छोटे वाले में, बड़े वाले को बड़े वाले में। सिलाई लगा चिपका देंगे इस पे, यहाँ तक अटैच कर देंगे। ये देखिए इसको अटैच कर दिया है हमने, और इस नीचे वाले छोटे वाले को भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक कैसे लगाएंगे हम, 25 का हमारे 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 इंच। 12.5 इंच में से 3 इंच हम कम कर देंगे, 3 इंच कम करके लास्टिक ले लेंगे। ये हो गया 12.5, 1, 2, 3, 9.5 इंच के हमें लास्टिक लेना है। पर लेना 9.5 की नहीं है, मतलब डालना 9.5 की है। आधे इंच एक साइड इधर सिलाई में दब जाएगी, आधे इंच सिलाई में यहाँ दब जाएगी, 9.5 की जगह 10.5 इंच की लास्टिक ले लेंगे हम। 10.5 इंच की लास्टिक ले लिए, और 12.5 इंच का बेल्ट लगेगा, क्योंकि आधा ही लगाते हैं कमर से, 25 कमर है तो 12.5 आ रहा है उसका आधा, 12.5 की जगह 13.5 इंच का हमें ये बेल्ट लेना है। ये देखिए ये होगा हमारा 13.5 इंच का बेल्ट, क्योंकि आधे इंच सिलाई में यहाँ दब जाएगा, आधे इंच यहाँ दब जाएगा, तो ये हो गया। तो अब इसको हम लगाएंगे, लगाना कैसे है, इस पट्टी के ऊपर पहले बना लेंगे हम इसको। तो पेस्ट करके भी आप बना सकते हैं, ये पेस्टिंग वाला वक्रम है, लेकिन मैं डायरेक्ट बनाना बता देती हूँ आपको। ये इसको ऐसे फोल्ड किया, सिलाई लगाएंगे, ये लगा दी हमने सिलाई। इसके बाद यहाँ पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसके ऊपर तो हमें लेस लगानी है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लगा रहे हैं लेस, तो लेस हमने डिसाइड कर ली है, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीनों चारों लेस हम इसमें लगाएंगे घेर में। और इसमें सिर्फ हम 2 ही लेस लगाएंगे, ये पतली वाली नहीं लगा रहे हैं, नहीं। और अगर आपको मतलब इसमें लेस नहीं लगाना है वो ये बेल्ट में, तो आप इसको फिर पेस्ट करके ही लगाइए प्रेस से, एक भी सिलाई मत लगाइए, क्योंकि सिलाई इसके ऊपर नहीं लगती, मतलब पूरा प्लेन रहता है, एक सिलाई यहाँ आती एक यहाँ आती है, और बाकी ये वाली सिलाई नहीं दिखती है, क्योंकि हमें तो लेस लगाना थी, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको मशीन से पेस्ट कर लिया, प्रेस से नहीं किया। हाँ, सबसे पहले हम चंपा वाली लेस लगाएंगे, और वो भी अंदर साइड से ऐसे करके, ताकि वो अच्छी सुंदर सी दिखे एकदम। चंपा लगाने के बाद ये चौड़ा वाला फीता लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसके बाद एक सिलाई और लगाना है हमें। बेल्ट हमारा इतना तैयार हो चुका है, यहाँ से इसको कर लेंगे डबल। ये देखिए इस तरीके से ये डबल कर लिया हमने, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, इतने दूर से इसकी कटिंग करेंगे हम ऐसे मोटा करके। कटिंग करने के बाद ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है, और इसको हमें उल्टा करके रखना है, और यहीं से हम इसको लगाएंगे। यहाँ का आके ऐसे दबता है ना, ये खट्टा होता है, ये बहुत परेशान करता है, एकदम साफ करके लगाना है हमें। ये जो हमारा प्लेन आ रहा है, क्योंकि हमने इसको जब रखा मतलब कट किया था, तो ये अम्ब्रेला रहता है ना, थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा, हम सिलाई यहीं से ही लगाएंगे। इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद अब इसको यहाँ से भी पलट के इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई, इसको अटैच करने की। दबा लिया। हाँ, देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, ऐसे यहाँ से अच्छे से बनता हुआ आ रहा था, यहाँ से आके दब गया, थोड़ा सा निकाल देंगे, जितना हमारा दबा था उतना हमने खोल दिया। ये देखिए अब क्लियर हो चुका है यहाँ का, इतना काम हो गया। इसके बाद हमें ये वाली लेस फिर से लगानी है यहाँ पर, इसके नाप से निकाल लेंगे। चुका है, पूरी फिनिशिंग कर देंगे इसके धागे वगैरह जो दिख रहे हैं, ये पूरा तैयार हो चुका है। अब हमें ये वाला ले लेना है, और इसको हमें सीधा रखना है बैक वाले को, और यहाँ से हम इसमें पट्टी लगाएंगे। पट्टी वही है जो 3.5 इंच की हमने कट की थी। और अगर आपने अभी तक भी इसकी कटिंग नहीं देखी है, तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर देख लीजिए पहले कटिंग, तभी तो स्टिचिंग समझ आएगी ना। हाँ, कटिंग नहीं सीखोगे आप लोग तो स्टिचिंग भी नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। देखिए इस तरीके से लगाना है, नीचे से इसको साफ करना है। ये देखिए ये जो आता है ना इकट्ठा होके, इसको साफ कर दीजिए, बीच में घुसता है। हाँ, यहाँ से आधे आधे इंच दबा के सिल देंगे पूरी यहाँ तक इसको। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सिल दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक, तो इसको हम पलट देना है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करना है इलास्टिक को इस तरीके से।
इसको ऐसे पलटते जाएंगे, ये जो सिलाई दिख रही ना इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और साफ यहाँ से भी करते जाना मार्जिन को, ये चुन्नट ऊपर साइड दबे नहीं आके। ये देखिए ऐसे लगा देंगे हम, इतना लगा दिया। इसके बाद लास्टिंग कम पड़ रही है ना तो खींच देंगे, कम नहीं पड़ी, खत्म हो गई वहीं पे। ये देखिए मार्जिन को इकट्ठा कर देंगे, फिर से लगाएंगे और ऐसे ही सिलते सिलते यहाँ तक सिलना है हमें। ये पहुंच गए हम लास्ट तक, और लास्ट तक लास्ट को अच्छे से यहाँ पे पकड़ लेंगे और ये आ गया हमारा मार्जिन। लास्टिक खसकनी नहीं चाहिए, नहीं तो अंदर खसक जाइए। देखिए दिख रही ना लास्टिक, यहीं यहीं पे इसके ऊपर पक्की सिलाई कर देंगे। इस मार्जिन को खींच के कर देंगे बराबर, ये देखिए हो गया ना। अब इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई जैसे ट्राउजर पे लगाते हैं। हाँ, जैसे ट्राउजर में लास्टिक डालते हैं, बस वैसे ही डालना है ये। एक सिलाई लग चुकी है, ऐसे ही हम एक और लगा देंगे यहीं से। बन चुकी है लास्टिक हमारी, अब इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से भी कट कर देंगे। अब इसको हमने सीधा करके रखा है और इसको हम अटैच करेंगे अस्तर को और नेट को। रुक के क्यों, पहले हमें चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स कमरबंद किस साइड बांधते हैं साड़ी में। वैसे मेरे हिसाब से तो इस वाले हाथ पे बांधा जाता है, तो इस वाले हाथ पे लगाना पड़ेगा। इस वाले हाथ का नाम क्या है? इस वाले हाथ मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड साइड बांधा जाता है। मम्मी से पूछ ले फोन लगा। हाँ, फोन लगा के। मम्मी वो नाड़ा कौन सी साइड बांधते हैं साड़ी में, मतलब पेटीकोट का? साड़ी में नाड़ा नहीं होता। अरे मतलब लहंगे में बोला चेन लगाना है इसलिए सीधे साइड ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है रख दो। हाँ बस आ ही रहे हैं अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में। आधे घंटे एक घंटे में कब बदल जाएगा? हाँ ठीक है, बच गए। हमारी गाड़ी में भी 10 ही बज रहा है, आधे घंटे बाद निकलेंगे। क्या कह रही है? हेलो बन गया घर। देखो मैंने बिल्कुल सही इमेजिन किया था, सीधे साइड ही बांधते। तुम यार प्रीति जब हर बार लहंगे बनाती जब का लगा देती होगी। अरे मैं तो आंटी से पूछ लेती हूँ, पीछे बैठी रहती आंटी। तो फ्रेंड्स क्या करना है, ये हमारी जिप है और इसको हम यहाँ से नाप कर देख लेंगे। ये देखिए यहाँ से लेके लगभग इतना बड़ा पा इसमें लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। इतने बड़े को इंच से नाप को दादो? अरे तो जिप के अकॉर्डिंग नाप लीजिए ना, ये हमारा 7 इंच आ रहा है, आपकी जितनी बड़ी जिप हो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। वाली ले तो ऐसे पहन लेंगे। तुमने तो बोला जिप के साथ। दीदी यार मेरे साथ से पता है ये भी गलत हो जाएगा, पता क्यों? हाँ ये तो यहाँ आएगा। हाँ सही है, सही तो है, सही है, सही है। और अब ये वाला अपना इस साइड से यहाँ आएगा, सीधे वाले हाथ साइड मतलब इस साइड लगाना पड़ेगी इसमें सिलाई। ये लगा दी हमने सिलाई, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें नाप लेना है क्योंकि अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा रख लिया था ना, इसीलिए 12.5 कहाँ पे आ रहा है ये देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ से हमें लगानी है इसमें सिलाई। तो पहले इस साइड हम अटैच कर लेते हैं इसको, इसको ऐसे रख लिया हमने, इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से हमें इसको सिलना है इधर से, जो हमने निशान लगाया था ना यहाँ से इसमें स्टिच लगानी है और यहाँ से नाप लेंगे ऊपर साइड से, नहीं तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा और दबना भी नहीं चाहिए कहीं से ये, मतलब नेट आके इसमें आधे आधे इंच इसको सिलना है। उतना छोड़ दिया है ना जितना निशान लगाया था? हाँ, और बस एक आध इंच सिल दीजिए आप, तो ये इतना सिल दिया। इसके बाद नीचे की नेट अकेले पकड़ेंगे ऐसे, ये रही, सिर्फ नेट नेट पकड़ के सिल देंगे। Like a bird on a tree. इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर से बराबर मिलाना है यहीं से, इसके बाद इसके ऊपर से फिर से सिलाई लगाएंगे हमने जो यहाँ पे खत्म की थी ना यहीं से। और हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो अस्तर है ना इसको हमने सीधा करके रख लिया, इसको तिरछा करके रख देंगे जैसे गाउन में फिटिंग डालते हैं वैसे। वैसे ही ये रख दिया और इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये तिरछा जा रहा है तो छूट जाएगा हमारा, और यहाँ से ये सिल देंगे नीचे तक।
ये छूट चुका है ये। अभी ऐसी प्लेन अपन को सिंपल ही सिलाई लगाना है पूरे यहाँ तक। ये हमारा यहाँ का काम हो चुका है, ये धागे वगैरह कट कर देंगे। अब हमें लगाना है इसमें जिप। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लगाना है और पीछे का भी नाप के देख लीजिए। पीछे की इलास्टिक अपन को कितने इंच की चाहिए थी, 9.5 इंच की। हाँ ये आएगा अपना 9.5 इंच। तो यहीं से लगा देंगे हम इसमें जिप। ये हमारी उल्टी वाली जिप है, ऐसे ऐसे बिल्कुल यहीं जो अपना निशान लगाया इसके ऊपर से रखना है इसको अपन। इसको क्या करना है, ये जो जिप होती है ना अपनी उल्टी वाली बैक साइड वाली, इसको ऐसे खोलते हैं थोड़ा सा और फिर इसकी बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगाते हैं। इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो हमारी सिलाई यहाँ पे खत्म हो रही ना, बिल्कुल यहीं तक इसको रख लेंगे। लग चुकी है। अब हम लगाएंगे इस साइड से, यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। वैसे तो हम ऊपर साइड से भी लगा सकते हैं, मैं तो ऊपर साइड से ही लगा देती हूँ। ये जो इस साइड जा रही ना इन गैदर्स, इनको उठा के इस साइड कर देंगे ताकि ये दबे नहीं। करेंगे इसको। ये देखिए एक साइड बेल्ट एक साइड इलास्टिक का हमारा और जिप लगाने का काम हो चुका है। अब हमें इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और करना क्या है, नेट की फिटिंग। सिर्फ नेट नेट पकड़ी है क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है यहाँ से, तो बिल्कुल बराबरी से यहाँ से हम नेट पकड़ लेंगे और यहाँ से सिर्फ नेट नेट को अकेली पकड़ के नीचे तक सिल देंगे। नेट की फिटिंग करने के बाद हमें करना है अस्तर की फिटिंग। तो अस्तर की फिटिंग कैसे करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था बेल्ट के ऊपर, ये वाला पीछे इलास्टिक के ऊपर, इन दोनों को यहीं से मिला देंगे और इनके ऊपर ही लगाएंगे हम सिलाई पक्की वाली होगी। यहाँ तक हमने इसको सिल दिया है। अस्तर को रखेंगे ऐसे सीधा करके, नेट को रखेंगे हम तिरछा करके और इस वाले अस्तर को रखेंगे नीचे वाले अस्तर के ऊपर। यहाँ से छूट गई है, ये देखिए यहीं छूट गई नेट। बस ये अस्तर अस्तर अब सिलता जाएगा नीचे तक। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें डबल सिलाई कर देंगे पक्की वाली। क्योंकि यहाँ मजबूती की जरूरत, नीचे नहीं है जरूरत मजबूती। अच्छा बैठे और आप चाहे तो यहाँ पे एक सिलाई और लगा सकते हैं ढीले के लिए, अगर किसी को ढीला करना हो तो। और वैसे तो गुड़िया की जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी मोटी नहीं होती। ये जो हमारा मतलब फीता निकल रहा था ना, इसको अंदर कर दिया ताकि यहाँ पे ये चुभे नहीं और इस पे कॉर्नर पे सिलाई लगा दे। यहाँ तक का काम हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, ये जो अस्तर है ना हमारा, इसको हम नाप के देखेंगे बड़ा तो नहीं हो गया, और बड़ा हो रहा होगा तो कटिंग कर देंगे और इसको हम मोड़ देंगे। देखिए एक और ये दो, इतना इतना ऐसा पूरा गोल गोल में मोड़ देंगे। ये अस्तर हमने मोड़ दिया है और आप एक बार कमर भी देख लीजिए कैसे बनाई हमने, दबी तो नहीं है कहीं से। ये देखिए नहीं दबी ना, ऐसे बनानी है आपको भी, कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दबाना है। नहीं तो क्या करते हैं लोग, ऐसे दबा लेते हैं इसको, ऐसे लोग कुछ भी करते हैं। आप लोग बस ऐसे ऐसे बनाइएगा, ऐसे सीखिए। हाँ साफ फिनिशिंग वाला। इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसके ऊपर फीते लगाना है हमें, और आप चाहें तो इसमें शाइनिंग वाला अस्तर लगा सकते हैं, पर गुड़िया को यह पसंद था इसलिए उसने यही वाला लगवा लिया। शाइनिंग वाला अस्तर चिपकता है इसलिए मना किया था उसने। हाँ। नीचे फीते फीते लगाते जाएंगे तो कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हमें। ये हमने चौड़ा वाला फीता ले लिया है, यहाँ सिलाई के पास हम रखेंगे, यहीं से लगाएंगे इसको, ऐसे पलटते जाएंगे और लगाते जाएंगे पूरे घेर में। थोड़ी बड़ी सिलाई कर सकते हैं आप, बड़ी सिलाई से क्या इसमें झोल नहीं आता है सल टाइप की। आपने देखा होगा ना वो जो साड़ियाँ आती है रेडीमेड साड़ियों में जो लेस लगी हुई आती, कितने बड़े बड़े टांकों से लगी रहती, तभी तो लगाते हैं बड़े टांकों से, क्या झोल नहीं आता। पतले पतले टांके से लगाओ ना छोटे छोटे से, सुकड़ती सुकड़ती है लेस। यहीं से इसको कट कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, यहीं से घुमाएंगे, डबल सिलाई करते जाएंगे एक और इसके ऊपर। एक लग चुकी है, यहीं से घुमाएंगे, थोड़ा सा गैप रख लेंगे, यहीं से इतना सा गैप रखना, ज्यादा नहीं रखना। देखिए ऐसे ही हम सीधी सिलाई लगा के इसको लगा देंगे पूरे में। फ्रेंड्स दो लाइन लग चुकी है फीते की, और अब हमने ये पतला वाला फीता ले लिया है तो मैं सोच रही हूँ दो लाइन इसकी लगा देते हैं हम। चारों लेस लग चुकी हैं, फीते हमारे बन चुका है पूरा लहंगा। सेम मस्तानी जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है सेम की सेम, सेम टू सेम लग रहा है ना। बस इसके ऊपर श्रग और पहन लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। सेम वैसे ही लग रहा है, ऐसे बॉर्डर बनाए उनकी में। हाँ फ्रेंड्स देखते हैं गुड़िया को पसंद आता है या नहीं, ये चलते हैं घर। तो लहंगा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।